बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चिकन निहारी। वैसे तो बीफ की निहारी भी बनती है, मटन की भी बनती है। आज हम, क्योंकि दोपहर के लंच में हम निहारी खा रहे हैं, तो इसलिए हम निहारी बनाने जा रहे हैं, तो आपको निहारी सिखाते हैं। हमने लिया आधा किलो गोश्त चिकन का, जिसमें लेग पीस भी हैं और थाई के पीस भी हैं। वो इसलिए कि ये ज़रा हार्ड होते हैं, तो इनको ज़रा गलने में टाइम लगता है। एक हमने बिल्कुल छोटा सा प्याज चॉप कर लिया अपने पास। एक टेबलस्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तीन से चार चम्मच हमारे पास टेबलस्पून जो है वो न्यारी मसाला है, मार्केट में बआसानी मिल जाता है। ये आधी से थोड़ी सी ज़्यादा प्याली हमारे पास आटा है, जो हमने पानी डाल के तो इसको हमने घोल लिया। ये हम बाद में न्यारी में लगाएंगे। तो चार गिलास हमने पानी लिया जो न्यारी में डालेंगे। एक प्याली हमारे पास ऑयल है। तो चले व्यूअर्स, चलते हैं न्यारी तैयार करने के लिए। तो आए न्यारी तैयार करते हैं। व्यूअर्स, हमने फ्लेम ऑन कर लिया, गैस को चूल्हे पर रख लिया। हमने दरमियानी आंच खोली है, इसमें ऑयल डालते हैं जो हमने एक प्याली ली थी, उससे आधी प्याली हम ऑयल जो है वो इसमें यूज करेंगे मसाला भूनने के लिए। थोड़ा सा और डाल दें। चलो अब इसमें हम ऐड करने जाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम ज़रा भून लेंगे ताकि चिकन की जो अपनी थोड़ी सी भूख होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, मेरा चिकन जो है थोड़ा सा भून गया, तो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। हम इसमें ऐड करेंगे निहारी मसाला। देखिए हमारा चिकन थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब हम इसमें निहारी मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। दरमियानी आंच पे इसको आपने इस तरह भूनना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, मसाला डालने के बाद मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। चलिए इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। इसको ढक देंगे।
देखें जी हमारा जो चार गिलास पानी था वो रिड्यूस होके डेढ़ से दो गिलास रह गया। ठीक है जी, अब हम इसे आटा लगाएंगे गाढ़ा करने के लिए, प्याज का तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेज आंच पे इसको आटा जब आपने लगाना है तो इसकी आंच जो है थोड़ी तेज कर देंगे। ठीक है, इसको हमने 10 मिनट के लिए अब तेज आंच पर पकाना है। ये देखें जी, ये इसमें आटा लगाने के बाद इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने प्याज काट के रखा हुआ था उसका, इसको तड़का लगाएंगे। ठीक है, चलो जी हमने आधी प्याली जो तेल था वो हमने फ्राई पैन में डाल के गर्म कर लिया। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे ब्राउन करने के लिए। ठीक है जी, न्यारी मारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे और इसको 20 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो आपकी मज़ेदार चिकन न्यारी जो है वो तैयार है। जी ये लें जी, हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, अब हम इसे 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी निहारी जो है चिकन की तैयार है। हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। ये देखें, इस पर हमने गार्निश की है, लेमन लगाए हैं, हरी मिर्च डाली है और हरी मिर्च सांभर जो है गार्निश के तौर पे हमने इसको लगाई है। तो आप नान के साथ, गर्मा गर्म नान के साथ या घर की चपाती के साथ आप इसे नोश फरमा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और आप उम्मीद है कि इसको फॉलो करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट्स में बताएंगे कि कैसी रही रेसिपी। तो चलते हैं, अब इजाज़त चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।